एवरीवन, वेलकम टू गुल्लीज़ टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत की साबूदाना आलू की रेसिपी। ये देखिए, हमने ये ओवरनाइट साबूदाना को सोक कर दिया था और दो तीन बार धो के ना इनको अच्छे से, मैंने अपनी दूसरी वीडियो में भी बता रखा है आपको, अच्छे से धो के फिर इनको सोक कर लें तो देखिए किस तरह से गल जाता है ना, और खिला खिला भी रहता है। तो ये तो बनती ही है भाई, हर घर में बनती है साबूदाना खिचड़ी, अलग अलग तरीके से बनती है। तो आज हम भी बनाने वाले हैं। और ये देखिए, इसमें हमने आलू लिया है जिसको मैं हाथ से ही ना ऐसे तोड़ लूँगी, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा मोटा थोड़ा पतला ना, ऐसे तोड़ लूँगी। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आलू। तो जो जो चीज़ें हम डालते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। हमने पैन में एक टेबल स्पून घी डाल दिया है, आधा चम्मच इसमें डालेंगे हम जीरा। इस बार आप जरूर खिचड़ी बनाइए, वैसे तो आप हर बार बनाते हैं पर इस तरह से बनाइए, खिली खिली बनेगी खिचड़ी आपकी। एक कटी हरी मिर्च डालेंगे, आपको जैसी पसंद है उतनी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें ये भीगा हुआ साबूदाना। इसमें डालेंगे हम कुटी काली मिर्च, फ्रेश कुटी काली मिर्च आधा चम्मच, सेंधा नमक, और इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर बनाइएगा ये देखिए। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे ये आलू जो हमने हाथ से तोड़ के रखे हैं। इनको मिक्स करेंगे। देखिए साबूदाना गला हुआ कितना था और कितनी अच्छे से ये सॉफ्ट है, मतलब खिला खिला है। तो खिला खिला कैसे बनाना है ना साबूदाने की खिचड़ी को, वो मैं आपको बता दूँगी। साबूदाना अच्छी क्वालिटी का लीजिए, अच्छे से धो लीजिए, उसको धो के ओवरनाइट सोक कर लीजिए। जैसे मैंने एक कप साबूदाना लिया, उसमें उतना ही पानी मैंने डाल के उसको भिगो दिया अच्छे से धोने के बाद, मतलब डूब जाना चाहिए साबूदाना। और थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें ये पीसी हुई शक्कर। आप अगर नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। कटा हुआ हरा धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा साबूदाना ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है, इस तरह से ये पकने की तरफ आ जाता है, पकने लगता है ना। ये देखिए तो कुछ सेकंड्स के लिए और भूनेंगे हम इसको। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम ऐड करेंगे ये कुटी हुई रोस्टेड मूंगफली। ये क्रंच देती हैं, सबसे लास्ट में ऐड करें और मिक्स करें। तो ये देखिए हमारी जो खिचड़ी है वो खिली खिली बनकर तैयार है। जितनी जितनी चीजें मैंने इसमें डाली हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 1/4 कप मैंने मूंगफली डाली है, आलू मैंने 2 डाले हैं, आप चाहें तो 1 कर सकते हैं, बट ये इस तरह से ना बड़ी फीलिंग हो जाती है ना। तो अब करते हैं प्लेटिंग। और ये देखिए हमारी यम्मी सी खिचड़ी बनकर तैयार है। जो लोग नींबू खाते हैं वो नींबू निचोड़कर डाल सकते हैं। खिली खिली खिचड़ी बनाने के लिए जरूर ये रेसिपी ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।